हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो गाइस सुबह का 9:30 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बिल देने। तो 2 मंथ्स का पेंडिंग है और कहीं काटने के ऑर्डर ना आ जाए इसी डर से फटाफट जा रही हूँ, ये बिल दे आती हूँ। क्योंकि पता है थोड़े से स्टिक जैसे ऑर्डर हो गए हैं अब। मतलब पहले ऐसा होता था कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप बिल ना दो तो चल पड़ता है, लेकिन अब तो मंथ टू मंथ जो है बिल पे करना पड़ता है और बिल की टेंशन तो कितनी रहती है आपको पता है सभी को। तो चलिए बनी रहेगा आप मेरे ब्लॉग के साथ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या आगे क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइस रोज़ कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। तो गाइज़ मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ बाइक से और वापसी मैं बस के द्वारा करूँगी। और देखिए यहाँ पहुँच गए हम पेट्रोल पंप के पास और बाइक में डालेंगे तेल और फिर से चल। तो गाइज़ मैं बिल दे के आ चुकी हूँ, अब चली हूँ रोड साइड पे, अब बस ले लेती हूँ मैं। पता नहीं चला कब आई कब पहुँच गई। देखिए गाइस ये भोजपुर मार्केट कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देने जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो एंट्री है, यहाँ से एंट्री होती है और ये सारा जो है भोजपुर बाज़ार है हमारा, जो सुंदर नगर की जो मार्केट है ये वो है। तो गाइस अब बस ले लेती हूँ मैं, चलती हूँ आगे। तो गाइस यहाँ पे बस स्टैंड है और यहीं से मैं बस लूँगी। देखिए मैं बस में बैठ चुकी हूँ और थोड़ा सा शूट कर रही हूँ बस में। गाइज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और फटाफट चलना पड़ रहा है यहाँ पर रोड पे और कुछ दूर है मेरा घर, बस पहुँचने वाली हूँ मैं अपने घर में। तो गाइज फाइनली अपने घर के पास मैं पहुँच ही गई हूँ। तो गाइज आप मुझे बताएंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है और क्या कमियाँ हैं मेरी वीडियोज़ में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएँ। क्योंकि गाइज मैं सब कुछ अपने आप ही करती हूँ, अपनी वीडियो अपने आप ही खुद ही शूट करती हूँ, कुछ भी मुझे करना होता है अपने आप ही। कई कमियाँ भी होती हैं मुझे पता है, लेकिन क्या करें आगे बढ़ना है तो खुद की हेल्प खुद ही करना पड़ेगी। तो गाइज़ मेरी दोनों बड़ी दीदी आई हुई हैं और मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ अभी। तो देखिए आपको ये मैंने रस्क लगाए हैं प्लेट के ऊपर और देखिए मेरी भी चाय बन रही है इधर। तो गाइज देखिए मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरे चश्मे वाले मेरी मम्मी हैं और ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी हैं। अभी इन्हीं के बेटे की शादी हुई थी जहाँ पे मैं गई थी और ये उनसे छोटी दीदी है मेरी, मतलब एक ही घर में दोनों बहनों की शादी हुई है, दोनों भाइयों के साथ शादी हुई है। अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर में क्योंकि मेरा मम्मी का घर भी पास में ही है, अब वहाँ पे जाती हूँ और मैं भी इनको सी ऑफ करूँगी, साथ साथ में इनको उधर ही तक ही छोड़ आऊँगी। तो देखिए रास्ते में जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मिली हमें नीचे आंटी, तो वो मेरी दीदियों से बात कर रहे हैं, जाएंगे अभी उनसे बात होगी नीचे जाकर। तो देखिए गाइस ये हमारी पड़ोसी आंटी हैं और मेरी दीदी से बात करेंगी ये, अब ये हाल चाल पूछेंगे, इनको शादी की मुबारकबाद देंगे कि आपके बेटे की शादी होगी, आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइस देखिए सामने जो है एक नींबू का पेड़ भी लगा है, मेरी दीदी को दिखाई देता है कि नींबू का पेड़ है और इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं। तो फिर बोलते हैं कि मुझे भी एक या दो नींबू दे दो, तो वो नींबू आंटी दे रही है इनको, नींबू ले चलते हैं, बता रही है मुझे कि देखिए कितने बड़े बड़े नींबू हैं। तो देखिए गाइस नींबू का साइज़ और ये बहुत बड़े नींबू होते हैं और इनको कागजी नींबू बोला जाता है। तो गाइस थोड़ी सी आगे और जाते हैं तो यहाँ पर और आंटियाँ बैठी होती हैं और वो हमारी दीदी से बात करती हैं और हमारी दीदी को जो है मुबारकबाद देते हैं कि आपकी आपके बेटे की शादी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे आशू जी हैं और ये अपना फेस छुपा रही हैं कि मुझे मत लो कैमरे में। और देखिए ये जो शरारती नौटी कुत्ती है, कुतिया है, कुत्ती नहीं है कुतिया है, मतलब ये मतलब सबको तंग करके रखती है ये। तो गाइज़ अब मैं अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ और चलती हूँ और मिल दूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, सी यू अगेन।